आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने झूठी लूट की घटना बनाने वाले चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,45,000 रुपये व वीवो का मोबाइल बरामद कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली भिनगा के ग्राम संग्रामगंज निवासी अब्दुल करीम उर्फ कल्लू के द्वारा कोतवाली भिनगा पर आकर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि भिनगा से बंठीवा जाने वाली रोड पर रेहली भट्ठे के पास दो मोटरसाइकिल पर सवार चार लोगों ने 3,45,000 रुपये और वीवो मोबाइल छीनकर भाग गए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए श्रावस्ती पुलिस ने कोतवाली भिनगा पर मुकदमा दर्ज कर घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना के सफल अनावरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिनगा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को लगाया था। संयुक्त टीम के अथक प्रयास से 6 घंटे के अंदर लूट के घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त चाचा और भतीजों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा करने में जुटी संयुक्त टीम द्वारा घटना संदिग्ध लगने पर अब्दुल करीम उर्फ कल्लू से कड़ाई से पूछताछ व CCTV फुटेज की मदद ली गई तो पता चला कि अभियुक्त किसानों से खरीदा हुआ अनाज DCM लदवा कर बेचने के लिए बहराइच गल्ला मंडी अपने भतीजे अकबर पुत्र कलाई के साथ मोटरसाइकिल से गया था, जो गल्ला 3,45,000 का बिका था, लेकिन किसानों से क्रय किए गए अनाज के पैसे न देने के लिए उसने ऐसी लूट की झूठी घटना बनाई। संयुक्त टीम ने प्रार्थना पत्र देने वाले अभियुक्त के घर से घटना में दर्शाया गया संपूर्ण धनराशि और वीवो मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। वहीं झूठी लूट की घटना बताने वाले अब्दुल करीम उर्फ कल्लू व उसका भतीजा अकबर हसन को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने घटना का सफल अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त टीम को 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। थाना भिनगा क्षेत्र के संग्रामगंज निवासी अब्दुल करीम, जो गल्ला व्यवसायी हैं, किसानों से गल्ला खरीद कर बहराइच मंडी में उसको बेचते हैं, फिर किसानों का पेमेंट करते हैं, इस तरह इनका व्यवसाय चलता है। इनके द्वारा कल देर शाम सूचना दी गई, 9 बजे के आसपास थाने में सूचना दी गई कि हम बहराइच से 3,45,000 रुपये लेकर आ रहे थे, जिसको गयापुरवा के आगे चार लोगों ने इनसे छीन लिया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इन्होंने ये भी बताया था, ये अपने भतीजे के साथ थे और एक होटल पे ढाबे पर इन्होंने खाना भी खाया था। वहाँ से CCTV फुटेज कलेक्ट किए गए और रास्ते के भी फुटेज कलेक्ट किए गए। सभी मिसमैच होने पर फिर इनसे पूछताछ की गई तो अंत में इन्होंने स्वीकार किया कि हमने किसानों का रुपया न देना पड़े इसके लिए हमने सारे पैसे घर में रख दिए और उसके बाद हमने आके सूचना दी और मोबाइल भी इन्होंने अपना घर पे रख दिया था और ये सूचना दिया कि मोबाइल और 3,45,000 रुपये मेरे लूट लिए गए। इस पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर तत्काल कार्रवाई करते हुए और करीब 6 घंटे में सारा वर्कआउट कर लिया और सारे पैसे 3,45,000 रुपये और मोबाइल बरामद कर लिया।